नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं IVTV। बीते कल पेरोल पर आनंद मोहन बाहर आए और ऐसे में हम भी उनके आवास पर आ चुके हैं। ये पटना का आवास है उनका, जहां वो सुबह सुबह आज पधार चुके हैं और ऐसे में हम अंदर जाकर देखेंगे कि क्या सुगबुगाहट है यहां पर, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं या फिर क्या कुछ यहां पर चल रहा है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा हम अंदर जाकर लेंगे। आपको गाड़ी दिखा देते हैं जिस गाड़ी से वो आए हैं। गाड़ी का रौनक अभी भी बरकरार है, उसके ऊपर जो मालाएं डाली गई थी वो मालाएं भी अभी देखने को मिल रही हैं और 4-5 वाले नंबर वाली गाड़ी, जो VIP ट्रीटमेंट वाली गाड़ी होती है, उससे आए हैं और गाड़ी के नंबर पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की गाड़ी दिख रही है। और अब चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ सुगबुगाहट है कुछ या फिर पूरी तरह से शांति पसरा हुआ है, क्योंकि बाहर से तो ऐसा ही लग रहा है कि अंदर पूरी शांति है। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ फ़िलहाल हम उनके पार्किंग एरिया में आए हैं और पार्किंग एरिया में सब कुछ शांत है। और अंदर के गेट की बात की जाए तो अंदर का गेट फ़िलहाल बंद है। यहाँ के केयर टेकर से हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि सब लोग सुबह सुबह 6 बजे पहुँचे हैं यहाँ, इसीलिए फ़िलहाल सब लोग आराम कर रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। चेतन आनंद, अपनी बीवी लवली आनंद, साथ ही बेटी जिनकी शादी के लिए उनको पेरोल पर फ़िलहाल बाहर आने की अनुमति मिली है, सुरभि आनंद, पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले वो अपने पैतृक गांव गए थे। पैतृक गांव में उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया, अपने जो वहाँ के देवता हैं, कुल देवता, उनका आशीर्वाद लिया। ठाकुरबाड़ी में उन्होंने माथा टेका। उसके बाद आज सुबह सुबह वो पटना आए, पटना के आवास पर वो आए हैं। सुरभि आनंद की शादी के लिए उन्होंने पहले ही मीडिया कर्मियों के माध्यम से बिहार की जनता को ये कहा है कि सबको आमंत्रण है, सबको आना है इस शादी में, सबको रौनक लाना है। साथ ही जब उनकी रिहाई को लेकर उनसे पूछा गया कि रिहाई पर उनका क्या कुछ कहना है, कब वो रिहा होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये थोड़े दिन की खुशी है लेकिन सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार ने एक बड़े मंच को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जल्द ही आनंद मोहन बाहर आने वाले हैं। वैसे में 26 जनवरी को ये कयास लगाए जा रहे थे कि आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हुई, जिसके बाद काफ़ी मायूसी देखने को मिली क्षत्रिय समाज में। लोग अपने नेता को देखने के लिए तरस गए थे, लेकिन बीते कल जब वो पेरोल पर बाहर आए तो जेल के बाहर ही उनके समर्थक अपने नेता के दर्शन के लिए, अपने नेता का वेलकम करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे और फूलमाला से अपने नेता का वेलकम भी किया, उनको लेकर पटना तक आए। फिलहाल हर कोई आराम कर रहा है, उनके समर्थक से लेकर उनका परिवार तक। तो ऐसे में हमने आपको दिखाया कि घर पर हाल शांति है, लेकिन जल्द ही सहनाई बजने जा रही है। 10 फरवरी से शादी के सारे कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। 10 फरवरी को तिलक है और 15 फरवरी को शादी है। ऐसे में 10 फरवरी से यहां पर आपको सारी चमक धमक देखने को मिलेगी, शादी की सहनाई सुनने को मिलेगी। शादी का जो जश्न है वो काफ़ी धूमधाम से होने वाला है, क्योंकि इकलौती बेटी की शादी है। सगाई के समय भी पेरोल पर आनंद मोहन बाहर आए थे और शादी में भी बाहर आए हैं, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर फिलहाल सवाल बना हुआ ही है कि वो कब रिहा होने जा रहे हैं। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे IVTV के साथ। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं अदिति सिन्हा, IVTV पटना।